तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जी हाँ, माता का बुलावा आया और हम चल पड़े वैष्णो देवी, जो भारत के एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह भारत के जम्मू कश्मीर के जम्मू में कटरा नगर के समीप पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 5,200 किलोमीटर है। तो माता वैष्णो देवी की चढ़ाई से पहले हमने थोड़ी की अपनी पेट पूजा और फ्रेश होकर पूरे फुल एनर्जी के साथ हम निकल पड़े अपनी चढ़ाई की ओर। माता वैष्णो देवी की कहानी बहुत लोगों को नहीं पता है, और अगर आपको भी नहीं पता है तो आइए चलिए आपको बताते हैं इस कहानी के बारे में। माना जाता है कि त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू तीन मूर्तियाँ हैं, देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी, पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। गुफा की लंबाई लगभग 98 फीट की है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े, तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वही एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तुझे से एक कन्या समझ रहा है, वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई और गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भभूजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता के चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चले गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता के गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भेंट मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए यह कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो ये थी एक प्रसिद्ध कहानी माता वैष्णो देवी की। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस चढ़ाई के दौरान आपको कई सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और ऊपर जाकर आपका मन तृप्त हो जाएगा। तो ये थी कुछ प्रसिद्ध स्टोरी माता वैष्णो देवी की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। धन्यवाद।